राजधानी दिल्ली में रेप की एक सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है। रेप की शिकार युवती ने आरोप लगाया है कि उसकी ही कंपनी में काम करने वाले एक शख्स ने युवती के साथ लगातार 2 महीने तक रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन शिकायत के बाद भी अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। दिल्ली में दरिंदगी की एक और दास्तान। वो मुझे धमकाता था और मैं बहुत डर जाती थी, मैं मेरी फैमिली में सबको मार देगा। 2 महीने तक युवती से रेप। नवंबर तक इसी तरह वो मुझे परेशान करते रहा और जबरदस्ती बहुत ब्लैकमेल करते रहा। मैरिज सर्टिफिकेट की आड़ में रेप की साजिश। एक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है, बोलता है इसके अकॉर्डिंग तुम मेरी लीगल वाइफ हो चुकी हो और अब मैं जैसा बोलूंगा तुम्हें करना पड़ेगा। जी हाँ, दिल्ली के करोल बाग में एक कंपनी में काम करने वाली ये युवती अपने साथ हुई दरिंदगी की दास्तां बयां कर रही है। युवती का आरोप है इसी की कंपनी में काम करने वाला श्री राम नाम का एक शख्स 2 महीने तक इस युवती की आबरू लूटता रहा। आरोपों के मुताबिक अपनी इस घिनौनी करतूत को अंजाम देने के लिए श्री राम ने रची एक फुल प्रूफ साजिश। मेरी फोटो खींची गई, थोड़ी देर बाद उस लड़के की भी फोटो खींची गई, तो मुझे कुछ डाउट हुआ कि इसकी फोटो क्यों खींची जा रही है। तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें बाद में। उसने मुझे जबरदस्ती फोन करके अपने घर भी बुलाया और घर बुला के उसने मेरे साथ जबरदस्ती भी की। फिर नवंबर तक इसी तरह वो मुझे परेशान करते रहा। जी हाँ, अपने साथ कंपनी में काम करने वाले श्री राम नाम के शख्स से मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मदद मांगना इस युवती की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई और आज ये युवती अपने साथ हुई दरिंदगी की शिकायत लिए आरोपी को सजा दिलाने की गुहार लगा रही है। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और वो जो श्री राम है जो ऐसे ऐसे गलत काम करता है उसको अरेस्ट किया जाए, ताकि वो और किसी को भी परेशान, मेरे जैसे किसी और लड़की को परेशान ना कर सके। आरोपों के मुताबिक श्री राम ने तमाम तरह की धमकियों के जाल में फंसाकर न सिर्फ 2 महीने तक इस युवती की आबरू को तार तार किया, बल्कि इस दौरान आरोपी इस युवती से पैसे भी ऐंठता रहा। और जब श्री राम की ज्यादती और दरिंदगी का दायरा दिनों दिन बढ़ता चला गया, इस युवती के सब्र की तमाम सीमाएं टूटी और आखिरकार एक एनजीओ की मदद से रेप की शिकार इस युवती ने अपने साथ हुई दरिंदगी की रिपोर्ट दिल्ली के गांधीनगर थाने में दर्ज कराई। मुझे कॉल आया लड़की का कि उसके साथ पिछले 2 महीना से कंटिन्यू गन पॉइंट पे या जैसे भी हो रेप हो रहा है, ठीक है। तो हमने इस मैटर को आकर वो किया, देखा, इन्वेस्टिगेशन किया। दरिंदगी की शिकार ये युवती अपने साथ हुई तमाम घिनौनी हरकतों की कहानी साफ साफ बता रही है कि किस तरह से इसके साथ काम करने वाले श्री राम नाम के शख्स ने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर इस महिला की आबरू से लगातार 2 महीने तक खिलवाड़ किया। लेकिन हैरानी तो इस बात को लेकर है कि अभी तक पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हुई है। आरोपी श्री राम पर अब पुलिस जो भी कार्रवाई करे, अदालत जो भी कड़ी से कड़ी सजा श्री राम को मुकर्रर करे, लेकिन एक बात साफ है कि श्री राम ने युवती के भोलेपन का फायदा उठाकर न सिर्फ 2 महीने तक युवती की आबरू को तार तार किया, बल्कि अपने माता पिता के दिए गए नाम को भी कलंकित करने का काम किया है।